हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाले पीठे, या आप इसे दाल ढोकली भी कह सकते हैं, जो अदर स्टेट्स में दाल ढोकली के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान में, गुजरात में थोड़ा बहुत अलग स्टाइल होता है, लेकिन काफ़ी कुछ ये सेम है। तो बिहार में इसे दाल का पीठा कहते हैं और लोग बड़े चाव से इसको बना के खाते हैं। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया गया है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली गई है जिससे हेल्थ पर बुरा प्रभाव हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं दाल के पीठे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं दाल के पीठे या दाल ढोकली। दाल पीठा या दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी दाल। ये अरहर की दाल है, जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं। और अब मैं इसको कुकर में डाल दे रही हूँ और इसमें मैंने 1.5 कटोरी दाल ली है, तो मैं इसमें 3 कटोरी पानी डाल देती हूँ। ये 3 कटोरी पानी मैंने लिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, और इसके अलावा स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। बाद में अगर नमक हमको कम लगेगा तो थोड़ा सा हम और मिक्स कर सकते हैं। और अब मैं कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा के इस पर सीटी लगा लेती हूँ। मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी। दाल में 2 सीटी लग चुकी है और अब मैंने गैस ऑफ कर दी है। मैं इसको जब तक ये भाप खुद से नहीं निकलती तब तक इसको कुकर में ही रहने देती हूँ और तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। पीठा बनाने के लिए मैंने लिया है आटा, ये 1.5 कप आटा है। और साथ ही साथ मैंने ये लिया है अजवाइन। अजवाइन को मैं क्रश करके इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा देसी घी, इसके अलावा मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो छोड़ भी दे सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। बहुत से लोग नमक नहीं डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और इसको मैं थोड़े थोड़े पानी की सहायता से रोटी के आटे की तरह गूंद लेती हूँ। आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया है और अब मैं इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं इसको एक ढक के रख दे रही हूँ। जब तक मेरा कुकर खुल रहा है तब तक मैं दाल के लिए छौंक तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं ले रही हूँ घी। और ये घी को मैं गरम होने देती हूँ। घी गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा, साथ ही साथ ये 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और इन सबको मैं शटक जाने देती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी अदरक को पीस लिया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटी हुई प्याज और इसको अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ।
प्याज को जल्दी गलाने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालें क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक है। प्याज भुन गए हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटी हुई टमाटर, बहुत महीन महीन काट लिया है मैंने। टमाटर जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है तो अब मैं इसमें जो दाल मैंने बना के रखी थी, कुकर भी मेरा खुल गया है तो मैं उस दाल को इसमें अब ऐड कर देती हूँ। जब तक हमारी दाल उबल रही है तब तक मैं इसके पीठे बना लेती हूँ। तो इस आटे के मैं कर देती हूँ 3 या 4 लोइयां बना देती हूँ इसकी और इस तरह से एक लोई लेके और इसका पेड़ा बना के मैं इसको बेल लेती हूँ। ये रोटी मैंने बेल के तैयार कर ली है, देखिए इतनी मोटी है ये, जनरल रोटी जो हम बनाते हैं उसे हल्की सी मोटी है। और अब मैं इस ग्लास की सहायता से इसको इस तरह से गोल गोल कट कर लेती हूँ। और इसको मैं इस तरह से निकाल देती हूँ और अब मैं इसको ऐसे इस तरह से बीच में दबा दूंगी, यहाँ से इसको मैं अच्छी तरह से चिपका दूंगी और इसी तरह से मैं सारा बना के रख लेती हूँ। दाल हमारी हो गई है और मुझे ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि जब हम इसको पीठे के साथ उबालेंगे तो ये और गाढ़ी होगी। दाल में उबाल आ गया है तो अब ये जो पीठे मैंने बना के रखे हैं इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। सारी दाल ढोकली को मैंने इसमें, सारे पीठों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढक के इसको 10 मिनट पकाऊंगी और बीच में 1-2 बार इसको चलाती रहूँगी। करीब 5 मिनट हो गए हैं और मैं इनको चेक कर लेती हूँ। देखिए काफ़ी पक गए हैं ये पीठे, लेकिन इसको बीच में चलाना ज़रूरी है क्योंकि दाल तली में बैठ जाती है। ये ऊपर आ गए हैं इसका मतलब ये काफ़ी हद तक पक गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको करीब 5 मिनट और पकने देती हूँ और इसको उसी तरह से ढक देती हूँ। 5 मिनट और हो गए हैं और अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ। ये पीठे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए दाल की कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। दाल पीठा बनके तैयार है, आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम घी में मैंने इसको बनाया है, हेल्थ के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी है तो आप भी इसको बना के ट्राई करें। अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे भी बताएं कि ये आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।